सैंक्शंस वगैरह है इस कंट्री के ऊपर। ऐसा लग रहा है कि कंट्री ना 20 साल पीछे चल रही है। तो भाई यहाँ पैसे का क्या सीन है कि यहाँ पे ब्लैक मार्केट है, टूरिस्टों की वजह से इनका धंधा पानी चल पा रहे हैं। वो भाई साहब गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नए वीडियो आपका स्वागत करता हूँ, क्यूबा के नए सीरीज में स्वागत करता हूँ। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ क्यूबा की कैपिटल हवाना में और मेरे सामने ये देख रहे हो, ये आपको मेरा हॉस्टल दिख रहा होगा। हॉस्टल 58 नाम से मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ भाई $8, मतलब 650 रुपए के आसपास मैं पे कर रहा हूँ। मतलब हवाना और क्यूबा के बारे में मुझे काफी कुछ बातें करनी है। जैसे कि ये देखो, अगर आप घर वगैरह देख पा रहे होगे तो कितनी पुरानी स्टाइल घड़े हैं। कार देखो भाई, जरा आपको कार जूम करके दिखाता हूँ मैं। ये देखो कैसा दिख रहा है यहाँ पे कार, पुराने स्टाइल कार नहीं होते। तो ऐसा क्यूबा में आपको लगेगा क्यूबा आने के बाद कि कहीं आप पुराने जमाने में आ गए हो। वेल ऐसा कुछ दिख रहा है माहौल यहाँ पर। क्यूबा की स्थिति ऐसी क्यों है? वेल ये कोई पॉलिटिकल इशू है, इम्बार्गो, US इम्बार्गो की हो गया बात, या तो फिर बात हो गई कि सैंक्शंस वगैरह इस कंट्री के ऊपर। तो ये हालत ऐसा लग रहा है कि कंट्री ना 20 साल पीछे चल रही है, स्थिति 20 साल पीछे चल रही है। मैं आपको लेके चल रहा हूँ जहाँ पे सनसेट पॉइंट है, बट काफी हैपनिंग सिटी है भाई। मतलब यहाँ पे आपको ना सारे के सारे लोग आपको बाहर बैठे हुए दिखेंगे, मोस्टली लोग बाहर ही रहते हैं घर के। ये मैंने एक बार नोटिस किया कि काफी हैपनिंग सिटी है यहाँ पे। ये है बस स्टेशन, यहाँ पे लोग बस का वेट कर रहे हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे टैक्सी लोकल लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है। वेल अगर टैक्सी प्राइसेस की बात करें तो कल जब मैं एयरपोर्ट से यहाँ पर आया, आई थिंक $10 या $15 दिए थे भाई। यहाँ पे $2.5 में खाना जाता है रेस्टोरेंट में, यहीं पे मैंने खाना खाया था, मैंने दिए थे $2। तो मतलब भाई 160 रुपीज में रेस्टोरेंट में मैंने खाना और चाय पिया था। बट अगर आप टैक्सी लोगे तो टैक्सी के लिए कम से कम 800-900 रुपए, 1000 रुपए लग जाएंगे। तो यहाँ पे टैक्सी बहुत महंगी है। और ये यहाँ की एक खास बात है कि यहाँ के जो टैक्सी ड्राइवर है वो डॉक्टर इंजीनियर से ज्यादा पैसे कमाते हैं। देख लो कैसी कंट्री है ये, बहुत ही ट्रिकी सी कंट्री है। वेल आगे आपको ब्लू वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा और क्यूबा और हवाना के बारे में कैसा रहता है मेरा फर्स्ट इंप्रेशन क्यूबा का, जाके देखते हैं। और भाई ये स्पेन की एम्बेसी है, EU का और स्पेन का फ्लैग देख रहे हो, कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। काफी सुंदर दिख रहा है भाई स्पेन की एम्बेसी है। तो अब मैं यहाँ पे इंडियन एम्बेसी भी लेके चलूंगा अगर ये मुझे यहाँ पे इंडियन एम्बेसी मिला तो। और कुछ ऐसा नजारा दिख रहा है यहाँ से, बिल्डिंग्स भाई यार देख रहे हो पूरे यूरोपियन स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे स्पेन कॉलोनी थी यहाँ पे। तो ऐसा लग रहा है कि काइंड ऑफ मैं यूरोप में आ गया हूँ, देख के लगता भी नहीं है कि यहाँ पे हालात के मैं यूरोप में हूँ। तो काइंड ऑफ मिडिल वाले में हूँ मैं, यूरोप और एशिया का मिक्स लग रहा है मुझे। ये वन ऑफ द कार है जिसको आप काइंड ऑफ रेंट कर सकते हो, ये कुछ ऐसी दिखती है ये कार। पहले आपको $20 मतलब 1500 रुपए के आसपास में पूरा हवाना का टूर देंगे। लाइक इसमें आप फोटो वगैरह खिंचवा सकते हो अलग अलग हवाना के लोकेशन पे जाके विद सिगार के साथ, ये काइंड ऑफ लाइक सिगार, क्योंकि हवाना में काफी फेमस है जो कि क्यूबा की देन है सिगार। तो सिगार यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है। या एन हवाना नो प्रॉब्लेमा, एन हवाना टोडो बिएन डे ला इंडिया, केरे मुचो एन ला हवाना, हवाना इज काइ ब्यूटीफुल सेनोरिटा एंड द बार एंड द डिस्को, नो वायलेंसिया, इंडिया एन ला हवाना एसो के इंडियो। ये बोल रहे हैं इंडिया से आओ यहाँ पे, यहाँ पे कोई वायलेंस नहीं है, यहाँ पे सुंदर लड़कियाँ हैं, यहाँ पे अच्छे हैं, हम लोग यहाँ पार्टी करते हैं, इतना मुझे समझ में आया। स्पेनिश तो मेरी मतलब बिल्कुल बिल्लुल है मेरी स्पेनिश, बट थोड़ी मोड़ी जो समझ में आई मैंने बताया। सिगरेट नो ब्रदर, आई डोंट स्मोक सिगरेट, सिगरेट ऑफर कर रहे हैं मेरे को। ये लिए कुछ दिख रहा है कार्ड गाड़ी वगैरह, और ये कुछ ऐसा नजारा दिख रहा है यहाँ पे। चलो चलते हैं यहाँ से। तो भाई साहब मैं समुद्र के किनारे आ गया हूँ और कुछ मुझे पीने का मन कर रहा था, तो ये ले रहा हूँ मैं क्यूबा से। मैंने कहा ये कि जो हमारा बिहार वाला जो पन्नी नहीं होता प्लास्टिक दारू वाला, वो तो नहीं है ना। तो मैंने बोला नो अल्कोहल, तो उन्होंने कहा नो अल्कोहल या अल्कोहल, नो अल्कोहल, नो अल्कोहल। तो मैंने बोल दिया इसके अंदर अल्कोहल तो नहीं है। काफी तेज हवा चल रही है भाई, बट मैंने ये खरीदा। तो भाई यहाँ पैसे का क्या सीन है कि यहाँ पे ब्लैक मार्केट है। तो $1 जो होता है यहाँ की जो लोकल करेंसी में, अगर आप गवर्नमेंट से, अगर आप बैंक से चेंज करवाते हो तो मिलेगा आपको 120 पैसों, यहाँ के लोकल करेंसी का नाम है पैसों। अगर आप ब्लैक मार्केट में चेंज कराते हो तो आपको मिलेगा 170-180 पैसों। तो मैंने ऑफ कोर्स ब्लैक मार्केट में चेंज कराया। और यहाँ पे अपना ATM कार्ड आप यूज कर सकते हो, बट आपको भी अगर ATM का यूज करोगे आप तो फिर आपको वही बैंक वाला रेट मिलेगा, मतलब 120 रेट मिलेगा। तो ये है, और ये मुझे मिला 15 का, जो कि मेरे हिसाब से भाई 5-6 रुपए बनते होंगे मेरे हिसाब से। हाँ 5-6 रुपए बनते होंगे, यही तकरीबन हिसाब किताब होगा। चलो ये बीच के साथ थोड़ा यहाँ पे इंजॉय किया जाए। भाई शाम के 6:30 बज रहे हैं और धूप इतनी तेज है कि क्या ही बताऊं, एकदम सामने तो धूप लगा, एकदम धूप इतनी कड़ी लग रही है मुझे। टेम्परेचर भाई अभी 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। यहाँ पे एकदम काफी शानदार वेदर है, ना बारिश हो रही। तो भाई साहब कितनी तेज निकाला मेरे सामने से, अगर उतरता तो मैं सीधा ठोक देता मुझे वो। रोड क्रॉस करना है, उतना डिफिकल्ट भी नहीं रोड क्रॉस करना, आराम से किया जा सकता है। इधर कुछ नहीं आ रहा, इधर भी ऑलमोस्ट कुछ नहीं आ रहा,
मैं एकदम क्लियर हूँ रोड क्रॉस करने के लिए। भाई मैं इसकी बात कर रहा था, यहाँ पे देखो लोग किस तरह बाहर बैठे हुए हैं। देखो ये भाई साहब बाहर बैठे हुए हैं, तो प्रत्येक घर के सामने लोग बैठे रहते हैं। चलो मैं चलता हूँ थोड़ा गलियों वगैरह में, देखता हूँ क्या है गलियों का माहौल। भाई एक बात मुझे और बतानी थी कि यहाँ पे वायलेंस मतलब जो क्राइम वगैरह है ऑलमोस्ट ना के बराबर है हवाना। मुझे लगता है कि यूएस की अब कोई भी सिटी उठा लो उससे ज्यादा सेफ है, तो एक अच्छी डेस्टिनेशन बनाती है इसको साउथ अमेरिका में, क्योंकि यहाँ पे साउथ अमेरिका जब सुनते हैं तो वहाँ पे वायलेंस यू नो लाइक लोगों से पैसे छीनना वगैरह वगैरह मगिंग वगैरह सब होते रहता है। कोलंबिया ब्राजील की बात करें, मेक्सिको में मेरी पुलिस ने पैसे छीन लिए थे। तो यहाँ पर कल रात को मैं 2-3 बजे तक घूम रहा था भाई, मुझे थोड़ा सा डरने लगा क्योंकि पुलिस भाई यहाँ पे हर जगह है, पुलिस तैनात आपको यहाँ पे हर जगह मिलेगी, मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से घूम सकते हो। भाई ये दादी एकदम पूरी लग गई है, एकदम कुछ गाली दे रही है उस बंदे को। भाई एक बात मैंने नोटिस की कि एज ए टूरिस्ट हवाना एंड क्यूबा में मुझे काफ़ी सेफ फील हुआ, एंड स्पेशली यहाँ पे टूरिस्ट की लोग काफ़ी कदर करते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं टूरिस्ट हमारे भगवान के समान है, क्योंकि टूरिस्टों की वजह से इनका धंधा पानी चल पा रहा है, इनका देश चल पा रहा है, पैसे काफ़ी आते हैं टूरिस्टों की वजह से यहाँ पे। झगड़ा देखने के बाद मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, जो कुछ यहाँ पे लड़ाई झगड़ा चल रहा था, अब यहाँ से निकलता हूँ मैं, कुछ ऐसा माहौल है यहाँ पे। अभी थोड़ा अंदर चलता हूँ तो एक रिक्शे वाले को लूँ, रिक्शे वाले के साथ थोड़ा यहाँ पे चक्कर लगाऊँ क्योंकि रिक्शा सस्ता है। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये चाकू में धार कर रहे हैं क्या, गजब की टेक्नोलॉजी है ये। सही है भाई, ये साइकिल से कर रहे हैं ये। तो भाई साहब ये देखो सारे लोग बाहर बैठे हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था गेट के पास आके सारे लोग बैठे रहते हैं। यहाँ पे देखो दादा यहाँ पे बैठे हुए हैं, घर इनका अंदर है, बाहर आके बैठे हुए हैं, और इस तरह के सारे घरों में ये माहौल है। और कुछ ऐसा है भाई नज़ारा, क्यूबा के कैपिटल हवाना का ऐसा कुछ नज़ारे हैं। चलते हैं गलियों में छोटे छोटे वॉक करते हैं। तो भाई साहब यहाँ पर मैं आया और पता नहीं यहाँ पे मैं ऐसे घुस गया और इंडियन गाना मुझे बाहर सुनाया पड़ा। इंडियन गाने सुन रहे हैं लोग यहाँ पे यार, इंडियन सॉन्ग। भाई साहब ये कुछ क्या खेल रहे हैं समझ नहीं आ रहा, काइंड ऑफ मुझे क्रिकेट बॉल की तरह लग रहा है देखने में। ये बात सही है, एक्चुअली इन लोगों को क्रिकेट के बारे में पता है तो ये लोग गेम खेल रहे हैं। विच गेम इज दिस? हैंडबॉल। हैंडबॉल है भाई ये, हैंडबॉल का हीरो। कैसे खेल रहे थे? अच्छा एक्चुअली बॉल काफ़ी सॉफ्ट है यार ये। ओहो क्या मस्त गेम है ये भाई। यहाँ पे चल रहा है सालसा, सारे लोग डांस वगैरह कर रहे हैं, बट मैंने सीखना पड़ेगा भाई ये डांस का, मुझे मतलब ABCD भी नहीं आता। नाश्ते वगैरह का देखा है मैंने करते, बट मैंने अभी तक सीखा नहीं है इस डांस को। सही है भाई, ओह वाओ सही है यार ये। तो चलते चलते मैं आ गया हूँ काइंड ऑफ वॉकिंग स्ट्रीट पे, यहाँ पे सारे लोग वॉकिंग वगैरह कर रहे हैं, सामने कुछ अच्छा सा दिख रहा है, जाके देखता हूँ क्या है यहाँ पे। भाई ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ के मैं मोस्ट टूरिस्टेड प्लेस में आ रखा हूँ। वेल आपको दिखाता हूँ, खूबसूरत दिख रहा है ये यहाँ का माहौल। भाई साहब ये मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्टिक प्लेस है यहाँ पर। एनीवे मैं यहाँ से जा रहा हूँ, वापस से आऊँगा। अभी जो कार वाला जो फोटो भाई, ये काम तो करना है ना, मतलब जो पुरानी वाली जो कार होती है उसके साथ यहाँ पे एक फोटो खिंचवाना है। वेल कल या परसों देखा जाएगा, अभी फिलहाल तो चल रहा हूँ और मुझे बहुत जोर से मूत्र विसर्जन लगा है, तो मुझे अब जगह खोजनी पड़ेगी जहाँ पर मैं मूत्र विसर्जन कर पाऊँ। हेलो खोला। यहाँ पे पुलिस आपको जनरली बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी, बहुत सारे कंट्रीज में होता नहीं कि तंग करते हैं पुलिस वगैरह आपको। यहाँ पे पुलिस को सख्त हिदायत है कि टूरिस्ट के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। एकदम सेंटर है भाई ये पूरा, एकदम सेंटर वाला पार्ट है इसलिए इतना खूबसूरत दिख रहा। हालांकि खूबसूरत है भाई, जो आर्किटेक्चर वगैरह है वो स्पेनिश है तो काफी खूबसूरत दिखता है एनीवे ये शहर। तो भाई साहब मैं चलते चलते आ गया हूँ ये हवाना की एक हैपनिंग स्ट्रीट पे, एकदम वॉकिंग स्ट्रीट लग रही है मुझे ये, तो शानदार दिख रहा है यहाँ से। सारे लोग हैं यहाँ पे, अलग अलग तरीके के आपको ड्रिंक्स वगैरह मिल जाएगी। मुझे जरा देखो आप, आई थिंक मैं यहाँ पे पहले कभी आया नहीं, पहली बार आ रहा हूँ और ये छोटी स्ट्रीट मैं इस तरह पहली बार देख रहा हूँ। सारे लोग यहाँ पर है, आपको मैं दिखाते चलता हूँ कैसा दिख रहा है माहौल। ये कैफेटेरिया है यहाँ पे, लगता है सारे क्यूबन यहाँ पे उठ के आ गए हैं हवाना के लोग। भाई मुझे यहाँ पे एक चीज दिखा, इंडो चाइना, अच्छा मतलब इंडिया और चाइना ना, समझ नहीं आ रहा, बला की दुकान बंद है, बढ़ना जाके देखता कि क्या है इसका मतलब, इंडो चाइना का मतलब, इंडिया और चाइना का मतलब। लोग यहाँ पे ही
बाहर ही खा रहे हैं भाई, यहाँ पे खाना पीना और कुछ ऐसा माहौल दिख रहा है। क्यों लग रहा है सब कुछ बंद पड़ा हुआ है इधर? भाई साहब यहाँ पे लिखा हुआ है अमेरिका, बट एक्चुअली अमेरिका सबको दिखे नहीं, क्योंकि अमेरिका ये पूरा कॉन्टिनेंट ही अमेरिका है। छोटे मोटे रेस्टोरेंट है यहाँ पे, बस बंद पड़े हुए हैं। ये भी सही माहौल दिख रहा है भाई, और ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है, तो मैं जा रहा हूँ उसी की तरफ। ऑलमोस्ट आई थिंक सनसेट तो हो ही गया होगा, फिर भी जाके देखता हूँ। भाई रात के बज रहे हैं 8, 2 घंटे में अराउंड में चल चुका हूँ 6 किलोमीटर, बट एनीवे मैं पहुँच चुका हूँ सी की तरफ, सी के साइड में। 8 बजे ऑलरेडी सनसेट वगैरह हो रखा है, कुछ ऐसा नज़ारा है भाई। अभी सनसेट भाई ऑलमोस्ट खत्म हो गया सनसेट, अब चलो जाके बीच की तरफ बैठते हैं, कुछ खाते पीते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। ये देखो भाई क्या मस्त सनसेट हो रहा है अगर देखा जाए तो। ये वापस से मिल गई, कल मिली थी। How are you? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, aquí con el amigo, video. Con mi novio. पता नहीं क्या बोल रही है। Tú habla भाई, digo que estoy bien con mi novio de India, pasándola bien en Cuba. इसको बोल रही है ये, मुझे ये बोल रही है इंडिया लेके जाओ वगैरह वगैरह। इसको मुझे भाई मुझे समझ में नहीं आती स्पेनिश, बट मैं गेस कर सकता हूँ कि क्या बोलना चाह रही है वो लोग बंदे, ठीक है। बट ये लोग कल मुझे मिले थे यहाँ पे पार्टी करते हुए, अपने पिछली वीडियो में ऐसा देखी होगी, आज की वीडियो में ये लोग मिल रहे हैं। हाउ एवरीथिंग फाइन? Fine, fine, yeah. Ye banda yahan pe baitha hua hai. Amigo, amigo de la India y ella cubana, su novia. Ye bol rahi hai India se, ye Cuba se, ye cubana, su novia, su chica. Yesterday. Kal bhi shaadi ki baat karwa rahe the, aaj bhi shaadi ki baat kar rahe hain, to isliye matlab yahan se mujhe nikalna chahiye. Todo bien, en Cuba todo bien. Los cubanos quieren mucho. Kyunki main Google Translate pe baat kar raha tha yaar, shaadi karwa denge meri yahan Cuba mein agar aisa raha to, but main yahan se nikalna chahiye. Jyada inse baat nahi karunga, main nikalunga yahan se aur thoda walk karunga idhar mein. लोग यहाँ पे आ गए हैं जंपिंग मारने के लिए, जंपिंग करने वाले हैं। वो भाई साहब पत्थर है यार, पत्थर में मत गिर जियो बस। मुझे तंजानिया की याद आ गई यार, जंजीबार के सनसेट ऑलरेडी हो रखा है, जो जंप कर रहे हैं वहाँ पे। ओ भाई साहब जरा देख रहे हो, ये देखो भाई, भाई साहब ये दोनों बैठ के बियर पी रहे हैं, ये बियर पी रहे हैं और ये भी पी रही है। बट मैं मुझे पीने का बिल्कुल मन नहीं है। क्या बस सनसेट के साथ हो रहा था भाई, उन्होंने दो लोगों ने चलांग लगाई। बियर गुड, ये दोनों लोग हैं। चलो मैं यहाँ से निकलता हूँ इधर करके। अब भाई भाई साहब अब घर सोने के लिए जा रहा था। वेल मैं यहाँ पे खाना पीना खाने के लिए आया था। वेल बेसिकली हुआ क्या कि मैं यहाँ पे खाना पीने खाना आया था, और कुछ जो भी बिल बना मेरे पास उतनी करेंसी लोकल करेंसी में था नहीं, तो मैंने डॉलर दे दिया। बट भाई डॉलर का रेट 140 दे रहे हैं, जनरली 180 का रेट होता है, मतलब 180 का इमेजिन करो यार कि $1 में 180 होता है, बट ये लोग दे रहे हैं 140 मुझे। मैंने कहा इतना कम तो कुछ छोड़ी है, तो फिर मैंने पास में जाके चेंज करवाया और उनको फिर लोकल करेंसी मिल गया। मुझे लगता है थोड़ा आप करेंसी चेंज करा के रखना पड़ेगा, मैं 100-200 डॉलर चेंज करवा लेता हूँ, क्योंकि खाने पीने में मुझे हर जगह लोकल करेंसी देना पड़ रहा है। इसके साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई ऑलरेडी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते भाई, मेरा इंस्टाग्राम है नॉमेड्स को फॉलो कर लेना। फिलहाल के लिए भाई तस्वीर दानी, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।